मैं मोहम्मद अनवारुल हक एक्स एमपी कैंडिडेट फॉर शिवहर पार्लियामेंट्री हल्का। रोजगार के मामला में जितना पोर्टफोलियो है, रेलवे से लेकर के चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, आप जाके देखिए कि जहाँ कहीं भी लोग गया, जिसके लायक था चपरासी के लायक था चपरासी। और लालू यादव ये रेल मंत्री थे, मैं उसमें 90 को बहाल करवाया, एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे लोग, इंटरव्यू दिया, बैठा, पास किया। तो मैं जब एमपी था तो आप जाके सेंट्रल स्कूल देखे सुरसंड में, अपने वक्त में मैं सेंट्रल स्कूल एक शिवर में कराया, जो अभी मकान हम महंत जी से विसाई महंत से ज़मीन ली है, अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है मकान, लेकिन लगभग अब तैयार हो गया। अभी रघुनाथ झा जो कॉलेज बनवा है उसमें उसको हम लोग चलवा रहे हैं सेंट्रल स्कूल। और एक नवोदय विद्यालय और मैंने खुलवाया था, उस वक्त बथना हमारे अंदर था, तो बथना में ज़मीन को किसी भी तरह से लोगों से बंदोबस्त करके रमनगरा में उसमें मैं खुलवा दिया और बन गया मकान, बहुत बढ़िया से चल रहा है। उसके अलावा तो छोटा मोटा स्कूल कॉलेज 1100, मैं अपने वक्त में 1100 मदरसा, लोगों ने कहा 1100 मदरसा हमने खुलवाया, जिस मदरसे की मंजूरी पहले जब MLA था उस वक्त मैंने मंजूरी करा दिया था, और इस वक्त उसका नोटिफिकेशन हुआ है, मैं समझ रहा हूँ कि महीना दो महीना साल भर के अंदर उसकी तालीम तरबियत शुरू हो जाएगी। तो शिक्षा के मामला भी जहाँ तक मुझे बन पड़ा मैं उसमें किया। मेरी पहली ये प्राथमिकता होती होगी कि इन लोगों का सबसे पहले हम बिजली लगवा दें और नीचे सड़कें इन लोगों का हम ठीक करवाएं और बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी अच्छे तालीम का। इधर सेंट्रल स्कूल नहीं है, अफसोस की बात है, शर्म की बात है कि कितने मिनिस्टर आए कितने गए।